नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सौरभ टेक्निकल से हूँ। आज मैं आपके सामने ये नया लैपटॉप लेके आया हूँ जिसका कि नाम आपको Asus ZenBook 3 है। आप देख सकते हो कि ये जो लैपटॉप है काफ़ी ही यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी पतला है यहाँ से, ठीक है। तो आइए अब हम इसका जो डिटेल रिव्यू शुरू करने जाते हैं। इस डिटेल रिव्यू को शुरू करने से पहले मैं आपको मैं दिखाना चाहूँगा इसकी आपको कीबोर्ड। आप देख सकते हो ये कीबोर्ड काफ़ी अच्छा है। आप देखिए यहाँ पर ये कीबोर्ड काफ़ी अच्छा है। और जो एक और खासियत इस लैपटॉप की है वो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको टच पैड है, यानी आप अपने किसी भी फिंगर को यहाँ पे आप इसके साथ सिंक करोगे तो तभी आपका ये लैपटॉप ऑन होगा। तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है ZenBook 3 में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसमें आपको और क्या क्या मिलेगा, तो आइए मैं इसके जो यहाँ पर मेंशन है उसको मैं बताता चलूँ कि क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये जो आपको ZenBook 3 है ये आपको विंडोज़ 10 के ऊपर आता है। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है वो आपको इंटेल का लगा है, जो कि आपको इंटेल को i7 है, जो कि 7500U CPU 2.70 GHz पे चलता है। इसके अंदर मीन्स जिस डिवाइस को अभी हम रिव्यू कर रहे हैं उसके अंदर जो रैम लगा है वो आपको 8GB का रैम लगा है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंशन है। इसके अलावा अगर मैं अलग अलग चीज़ में आपको मैं इसमें आपको दिखाता चलूँ तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये डिस्प्ले एरिया है, ये आपको ऐप्स एंड फीचर्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको बैटरी है, ठीक। तो ये ओवरऑल ये अलग अलग चीज़ें हैं। टैबलेट मोड है, आप इसको टैबलेट मोड भी आप कर सकते हो, तो उसके लिए यहाँ से आपको इनेबल और डिसेबल करना पड़ेगा। आप मल्टीटास्किंग भी काफ़ी आसानी से यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि आप क्या क्या कर सकते हो आप यहाँ पे आप खुद देखो, जैसे कि अरेंज विंडोज ऑटोमेटिकली बाय ड्रैगिंग देम टू द साइड्स और कॉर्नर्स ऑफ द स्क्रीन। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑन कर रखी हैं। इसके अलावा दूसरा फीचर है कि व्हेन आई स्नैप अ विंडो ऑटोमेटिकली साइज इट टू फिल अवेलेबल स्पेस, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपको करना है यहाँ से इनेबल और डिसेबल आप कर सकते हो आराम से यहाँ माउस के थ्रू, ठीक है। ऐप्स फॉर वेबसाइट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ। आइए अब हम इससे बाहर निकलते हैं और चेक करते हैं कि इस लैपटॉप में और क्या क्या है। ये जो आपको विंडोज 10 पे चलता है तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, वेदर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा हर जो चीज़ है आपको ABCD मतलब उसके कैटेगरी में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको यहाँ से आप सीधे सेटिंग्स पे आप जा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे गया हूँ, ये देखिए ये सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें जैसे सिस्टम्स हैं, डिवाइसेज हैं, नेटवर्क एंड इंटरनेट है, पर्सनलाइज है, अकाउंट है, ये सारी चीज़ें हैं। आइए हम इससे बाहर निकलते हैं। इसके अलावा अब हम चेक करते हैं कि आपको और क्या क्या इसके अंदर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आप वाईफाई है, ठीक है, यहाँ पे आप वाईफाई है। ये बैटरी जो है, बैटरी आराम से आप यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये मैंने आपको बैटरी नहीं लगाई है, लेकिन ये आराम से 6 से 7 घंटा आराम से ये चल जाता है मेरे यूजेस पे, ठीक है, क्योंकि मैं इसके ऊपर गेम भी खेलता हूँ, मैं अपने सारे काम भी करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस डिवाइस की तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँगा कि ये देखिए यहाँ पर आपको इंटेल कोर i7 7th generation यहाँ पे आपको मेंशन है। तो ओवरऑल आप देखिए ये जो ZenBook 3 है काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसका लुक एंड फील, यहाँ पे आपको फिंगर सेंसर है, ठीक है। इसके अलावा इसके जो स्क्रीन साइज है ये आपको 12.5 इंच की है, ये 12.5 इंच की इसकी स्क्रीन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये देखिए जो Asus है ये देखिए काफ़ी पतला है, काफ़ी यहाँ से पतला है, और ये जो है आपको 11.9 mm थिन है। और अगर हम इसकी वेट की बात करें तो ये काफ़ी लाइट है, ये आप 910 ग्राम के करीब है। आपको आप देख रहे हो कि काफ़ी पतला है, यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी पतला है ये। तो ओवरऑल ये आपको ज़्यादा वेट का भी नहीं है, आप काफ़ी आसानी से इसे उठा सकते हो। इसके अलावा इसके लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक है। और अगर हम बात करें कि इसमें पोर्ट्स कौन कौन से हैं, तो पोर्ट्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इस लैपटॉप में एक पोर्ट है, वो भी है आपको टाइप सी, जो कि आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ पे दिया गया है। तो इसके थ्रू आप सारे प्रोजेक्टर एक आपको डॉकिंग करके एक डिवाइस इसके बॉक्स के साथ आती है, ताकि आप इसके साथ इसके टाइप सी में आप आराम से लगा हुए
यहाँ पे आप टाइप सी में आप लगाओगे, उसके बाद प्रोजेक्टर, पेन ड्राइव या फिर जो भी चीज आपको यूज करनी है डॉकिंग के थ्रू आप कर सकते हो। अब हम बात करें पीछे के, तो ये देखिए पिछला हिस्सा है जो कि काफी सही है इसमें, ठीक है। तो ओवरऑल जो ये जो डिवाइस है आपको ZenBook 3 काफी अच्छा डिवाइस है और यूज करने में भी मुझे काफी इसको मजा आया। और सबसे बड़ी बात जो दो तीन चीज जो मुझे अच्छी लगी वो ये लगी, एक तो ये काफी लाइट वेट है, दूसरा इसके ऊपर मैं जो भी आपको अपने फील्ड से रिलेटेड काम किए जैसे कि रेंडरिंग का काम किया ये सारी चीजें काफी फास्टली इसके ऊपर हुआ है। और इसके अंदर रैम 8 GB का है, तो मैं जितने दिन रिव्यू किया मैं काफी सेटिस्फाइड रहा। तो दोस्तों ये मेरा आपको एक रिव्यू था Asus की ZenBook 3 का, होप आपको ये अच्छा लगा हो। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा चैनल जो कि टेक्निटर है इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अधिक से अधिक वीडियो देख सके। अगला वीडियो लेके मैं जल्द आऊंगा, तब तक सायनारा, टेक केयर, थैंक यू।